Hello everyone, so welcome back to my channel that is React Like Diva and welcome back to another reaction video जो कि आज होने वाला है Deaf Dumb Blind का part 3 Round to Hell से. जी हाँ, ये part 3, इसका part 1 and 2 है जो कि बहुत ही पुराना है, लेकिन part 3 जो कि new market में launch हुआ है, I think हर लोगों ने ये नहीं देखा है. और डिफ डम ब्लाइंड के ऊपर मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है, बहुत बहुत ही जनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि डिफ डम ब्लाइंड के ऊपर मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊं. तो या तो फिर मैं आज डिफ डम ब्लाइंड राउंड टू हेल से उसका पार्ट 3 के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ. बहुत जनों ने मुझे इसका रिक्वेस्ट किया है, इसीलिए मैं 1, 2, 3 ऐसे करके नाम नहीं लेना चाहती हूँ. कम से कम 4, 5 जनों ने तो मुझे इसका रिक्वेस्ट किया ही है. तो फिर और फिर किसी को मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत ही टाइम ले रही हूँ रिक्वेस्ट फुलफिल करने में, लेकिन ऐसा नहीं है. जिसका रिक्वेस्ट पहले आता है उसके बाद जिसका रिक्वेस्ट आता है, एक के बाद एक मैं फुलफिल करती हूँ. ऐसा नहीं है कि लास्ट में जो अभी रिक्वेस्ट किया है मैं उसका ही वीडियो पहले बना लूँ, ऐसा नहीं है. जो पहले रिक्वेस्ट करता है उसका पहले मैं रिक्वेस्ट फुलफिल करती हूँ. तो फिर कोई भी ऐसा मत सोचना कि मैं किसी का रिक्वेस्ट नहीं रख रही हूँ, मैं हर किसी का ही रिक्वेस्ट रखूंगी. बस आप लोग थोड़ा कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं. और हाँ, थोड़ा सा मैं लेट हूँ डीप डम ब्लाइंड का रिएक्शन वीडियो बनाने में, इसके लिए सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना. नेक्स्ट टाइम से बहुत ही बैक टू बैक वीडियोज़ मैं पोस्ट करती रहूँगी आप लोगों के लिए. तो फिर बहुत ही ज़्यादा बातें हो गई, अब इतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी आप लोगों का. चलिए देख लेते हैं इसका रिएक्शन वीडियो किसका होने वाला है. डिफ डम एंड इसके ऊपर मैं आज रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ. आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. पार्ट 1 2 नहीं करी भाई साहब, मैं आपका एहसान कैसे होता रूं? पिछले 6 महीने से इन तीनों ने इस पूरे स्टेशन में हल्ला काट रखा. ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है. आ जा बे तीनों, तुम्हारी जमानत हो गई. रे ना दरो बस, हम ना जा रहे रबड़ी खाने. अबे गांडू, मर क्यों नहीं जाता तू? देख रो भाई साहब, पिछले 6 महीने से उन्होंने ये सब कर रखा. अबे सालो बाहर आ जाओ, इन्होंने भाई साहब ने तुम्हारी जमानत करा दी. भगवान, जमानत करा दी बाहर. अब तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा है. धर्मशाला देख रहे हो भाई साहब, ऐसे नहीं हमने. अब पड़ेगा इन लोगों के मार. थप्पड़ इन लोगों का होता ही है. बस इन दरारों को पकड़ लिया, मार मार होगा, मार इस तरीके के. हमने दिमाग खराब कर रखा. दरोगा साहब, ये जमानत किसने कराई है हमारी? उन्होंने. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब. अच्छा, आपने हमारी जमानत करवाई. नाजी, ये पैरों में पड़ गया और तुम माफी मांगी क्या? कह दिया है बस सुतरी के जमानत कराई है इन्होंने अपनी. क्या मुझे नहीं करानी जमानत. मानत ऐसा कैसे नहीं करानी जमानत? क्या ऐसे कैसे नहीं करानी जमानत? मेरे पैसे मुझे वापस करो भाई साहब. फ्री में हो रही है जमानत और साथ ही अवार्ड भी मिल रहा है. ट्रॉफी किस लिए? कहीं ले जाओ तुम यहाँ से. यार काम भी तो यही कर सकते हैं. तुम्हें याद है एक बार इंटरव्यू लिया था तुम्हारा? जी सर, याद है मुझे तो. वही जो खुले गार्डन में लिया हाँ, और इस बार अंधेरे में ले रहे हो. एक गूंगा अच्छा है. तीनों का तीनों कान खोल के सुन लो. अब मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ. मेरा ही बहरा दिखे है. एक मैं भी रखू साले के.
सुतरी का बेइज्जती कराता रहेगा। ना ना जी, बिल्कुल गलत कह रही आप। अबे असली मजा दही सही है जलेबी का। मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, एक आदमी को लटकाना है। किसको लटकाना है सर? मेरा आदमी तुम्हें उसकी फोटो दे देगा बाहर। ये लो फोटो, और तीनों ध्यान से देख लो इसे। भाई साहब, मैंने अंधा को बोल रहा है कि तीनों देख लो। हो जाएगा काम। क्या कर रहा है? हीरा काट रही हूँ। उल्टा जाओ बॉस को। सॉरी बॉस, रम्मी खेल रहा हूँ एमपीएल पे। अबे साले, रम्मी खेलने का मजा असली जिंदगी में है, फोन में नहीं। अरे बॉस, इसमें मजे के साथ साथ पैसा भी है। और तो और, 1 लाख तक जीत सकते हो। 1 लाख रुपए औकात है बहन चोद? है औकात तेरी 1 लाख की बात करने की? औकात देखेगी मेरी महबूबा। देख जीत गया लड़ू। क्या बात कर रही है? अरे बॉस, जितनी सैलरी तुम मुझे देते हो ना, इससे ज्यादा मैं रमी गेम खेल के कमा लेता हूँ। और तो और, 100 रुपए का बोनस कैसे मिलता है? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तुम इंस्टेंट यूज करके पैसे कमा सकते हो। तो कमेंट में रिस्की होगा सबसे ज्यादा से। क्यों, है ना एमपीएल बढ़िया? अबे हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया है। अभी डाउनलोड करता हूँ। पहले ये बता, फोटो दे दिया ना उन्हें? जी बॉस। अबे ये फोटो तो दे दिया उसने, लेकिन ये आदमी कहाँ मिलेगा? इसका और सीधा अबे कुरकुरे से ज्यादा टेढ़ा है इसका। सुतरी के हमेशा अलग ही बोलता। अलग चला गया बेचारा। बहन चोद ने फोटो भी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया। कौन है बे? पैंडा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। ये साला अभी से अंधे को ढूंढा, पता ना कहाँ चला गया। अबे वसीम ढूंढी से। हेलो और हजम नहीं पाता, और ये सुन नहीं पाता। कौन हजम का लाल? कौन हजम? ये भगवान, सब चोरी हो रहा है। और ये कौन हजम का लाल? अब बुला रहा है, पागल है। ये अच्छा है। फोटो वाला आदमी तो ना है कहीं? मैच करके देखूं। जिंदा मैच हो रहा फोटो से। बसेम, आदमी मिल गया। फोटो वाला आदमी मिल गया, ये खड़ा मेरे सामने। भाई साहब, जब फोटो लिप बन कर एक फोटो ले दो ना। लो गांड फाड़ बिलर मारियो सुतरी के। ना वाला फिल्टर ना है। बसीम, ये वही आदमी है फोटो वाला जिसे आपने को लटकाना। मार साले को। खोपड़ी तोड़ बसीम साले का, खोपड़ी तोड़। छोड़िए मत साले को, बसीम लटकाई दिए। बड़ा सुअर फोटो खींचा इस फोटोग्राफर ने साले ने। कद्दू का फोटोग्राफर है? इतना अंधेरा क्यों है? लाइट क्यों नहीं लगाई गार्डन में? डीएसएलआर ही लूंगा अपना किसी दिन। फोटो का बहन के लड़ा अकेले चले गए फोटो खींचवाने। ये भी ना किसका आया क्या? तरीके चुप। वसीम लटकाई आया उसे। बात फिर कॉल लगा। हेलो किसे लगा दिया? हेलो हेलो हेलो। अबे पैरे बोल तो रही हूँ, आवाज ना आ रही। भाई साहब नेटवर्क खराब है क्या? सुन ही नहीं सकते, इसे फोन दिया है। क्या है? फोन ले से। हेलो, काम हो गया भाई साहब, आ जाओ। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही लोडो काम दिया ना। 1 घंटे में जो काम कर दिया, कहाँ निपटाया? लटका हुआ तो है। हाँ वो लटका हुआ तो है। अबे सालों, ये किसको लटका दिया? अरे यही तो है फोटो वाला आदमी। अब
अबे सालो फोटो तो देख ले करो, ये किसको लटका दिया? और सालो लटकाना नहीं था, मारना। दीवारों के भी कान होते हैं। बात क्या शेष है? बताओ, दीवारों तक के कान हैं, पर इस भोसड़ी वाले के कान नहीं। बात एक शेष में तो सुनो, ये निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, वाह वाह, ये निकल गई गर्मी आने वाली है ठंड, बहन के लोड़े ले ले मेरा लंग। एक बार फोटो और दिखा देने। लाओ ये फोटो दो मुझे, और ये HD में तीनों देख लो ध्यान से, और इससे आपको मानना ध्यान से। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया फोटो, मतलब तीनों ने देख लिया, चील की निगाह है मेरी, क्या काम हो जाओ, ठीक है? जान से मानना फोटो वाले इंसान को। आओ काम में, काम अब समझ में आया पे। मुझे नहीं पता, पकड़ कर लाओ ने भाई साहब। और भाई साहब, किस आदमी को देखा कहीं? यही तो ये वाला है। अंधे तू? अरे दरोगा साहब, आप यहाँ कैसे? चालान काट लिया तो। अरे दरोगा साहब, इस आदमी को देखा हो तो बता दो। क्या काम है इससे? बहुत जरूरी काम है दरोगा साहब, बस बता नहीं सकता। तो गड़बड़ है, ये अच्छा है, उसने चेंज भी कर दिया फोटो। पसीन भूख लग रही है, कुछ खाने का लिया? किसका लाश है? भाई साहब क्या हो गया? मौत होगी किसी की भाई साहब। क्या मौत होगी किसी की? सुनाई नहीं देता। मौत होगी किसी की? भाई साहब कुछ मुंह से बोलो। अरे पर नाच के बताओ, मौत होगी किसी की? कसीम बेटे, हो गया खाने का इंतजाम? कहाँ पे बारात निकल रही है, बस हमें नाचना आइए। रुक कसीम, मुझे इस तरीके के कानों का भरोसा नहीं है, अपनी आंखों से देखता हूँ। हमारे घर पर भाई साहब किसकी बारात निकल ली? मेरे अब्बा की बारात निकली। शादी मुझे क्या हुआ? मैं क्या हुआ? अब्बा की बारात निकल ली, तुरंत खाने पर टूट पड़ो। ये भगवान, क्या हुआ वसीम? बारात तो रात की है ये। ना नाचे यार, रास्ता निकल जाएगा। जूली जूली तूने बदल लाया। ये क्या सब पूरा डांस? ये लोग पागल है। लो भी बसी मंडप भी आ गया। ओ भाई साहब, कौन सी गाड़ी मिली है दहेज में लंडे को? बाबूजी का संस्कार बादलों का, पहले इन तीनों का संस्कार। अब पड़ेगा मार। देख स्वागत के लिए आ रहे, गोदी में लेके जाएंगे। बारातियों का स्वागत है तू दोस्ता। ओ ओ दारण तू। हां
कौन स्वागत करता है अजीम बरातियों को? सत्यनाश भाई, ये फोटो है उस आदमी का जिसे मारना था और ना तरीके अहमदाबादी में वही आदमी है। वैसे तो मैं भाई मार देता हूँ ऑफिस में। भैया क्या तो 1.5 साल गए हुए थे तो भैया भैया उठ जाएगी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। पहले नाजिम ये तो यहीं आ गया आदमी, मैं इसे निपटा के आता हूँ, तुम यहीं बैठो। बेरे ये क्या कर रहा है? फोटो तो देख ले, फोटो किसका है? ना खिचड़ी में मोटा चावल ही डलता। गोली मार दिया। थैंक गॉड बच गया। थैंक गॉड बच गए आप। समझ में नहीं आ रहा फोटो किसने चेंज किया है? किसी ने किया है। मेरा फोटो किसने दिया है? अगली गोली तभी मारेंगे माथे में जब पूरे पैसे दे दोगे। अबे क्यों मारना चाहते थे इसे? दारोगा साहब उन्हें जानते हो, मीडिया वाले रिपोर्टर मनोज को। हाँ बस उन्होंने ही दी थी इस आदमी की सुपारी हमें। अबे तू मरवाना चाहता था मुझे? दारोगा साहब एक मिनट, मैं जरा एक से हिसाब कर लूं। क्यों बे किसे दिया फोटो? किसकी बात कर रहे हैं? यही तो कह रही है इसकी चील की निगाह। मत्थे में गोली निकाल दूंगा। सच सच बता क्यों मरवाना चाहता था मुझे? दरोगा साहब मैं तुम्हें इसलिए मरवाना चाहता था कि मैं आईफोन 11 ले सकूं और अपने रिश्तेदारों में और इंस्टाग्राम पर रोला काट सकूं। वो कैसे? तुम्हारी मौत की खबर मेरे न्यूज चैनल पर ज्यादा चलती तो मैं ज्यादा पैसे कमाता और आईफोन 11 लिया था। मैं लाऊंगा चल। दरोगा साहब क्या करना है? कितनी सुपारी मिली मेरे मर्डर की? सबको पता चल जाएगी। हाँ बता दे। वे नाजिम और वसीम भाई ये जो सफेद कुर्ते में है ना दरोगा साहब कह रहे हैं कमा देंगे। हम सब भागेगा। अरे मारो बेटी भाई तुम कर अरे बाबूजी का तो अंतिम संस्कार कर ले। अबे आप लोग अपने संसार को बचा ले। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों वीडियो को हर जगह शेयर करो यार। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके तब ये तो इंट्रोडक्शन है बताएगा। ओके सो काफ़ी मज़ेदार वीडियो था, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फनी था। डीप डम और ब्लाइंड, इस तीनों का कॉन्सेप्ट एकदम कमाल का दिखाया गया है। पार्ट 1 और 2 का मैंने नहीं देखा है, मैंने रिएक्ट भी नहीं किए तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन पार्ट 3 में बहुत ही मज़ेदार हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका रिएक्शन देने में। अगर आप लोग पार्ट 1 और 2 का भी रिएक्शन आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं उस पर करूँगी। क्योंकि पार्ट 1 और 2 बहुत पुराना है लेकिन ये पार्ट 3 एकदम ब्रांड न्यू है, तो आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो। और हाँ ये सब ब्लाइंड का जो कॉन्सेप्ट था सबको मतलब चक्कर ही चला दिए, जिसे नहीं देखना था उसे ही मतलब फोटो पकड़ा दिए और बस हो गया इन लोगों का कल्याण स्टार्ट। तो और हाँ वो डिफ डम्प इन दोनों का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, बहुत ही मज़ेदार था, एकदम फनी वीडियो था। आई होप मेरा रिएक्शन भी आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है वो लोग प्लीज़ देखना मत भूलिएगा मेरा ये रिएक्शन, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरा रिएक्शन कैसा रहा। और हाँ कोई ऐसा मत सोचिएगा कि मैं किसी का रिक्वेस्ट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि मैं किसी का रिक्वेस्ट इतना देर टाइम तक रोक के रखी हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था इसीलिए मैं थोड़ी सी लेट हूँ, लेकिन अभी बैक टू बैक वीडियो आने वाला है तो फिर मज़े कीजिए आप लोग मेरे रिएक्शन वीडियो का।
और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं बोलना भूल जाती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज मत भूलना सब्सक्राइब बटन प्रेस करने का, और जो बेल आइकन है वो भी थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इतना सा ही बस काम है। प्लीज आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, ये वीडियो बस इतने तक ही, और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड या यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल।